लाश? सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये गुब्बारा अपनी जगह पे कैसे, ऐसा कैसे हो सकता? कहीं से बांधा भी नहीं गया तो फिर ये उड़ क्यों नहीं रहा है? नहीं पूर्वी, अगर ऐसा होता तो ये लाश यहाँ जमीन पे पड़ी होती। और ये हो सकता है कि ये लाश कहीं और से उड़ के यहाँ पर आई और यहाँ पे आके अटक गई। जिस जिस दुश्मन को तुम लोगों ने गोली मारी है उसकी आत्मा शरीर से निकलती ही नहीं है, वो फिर से जिंदा हो जाता है। सर ये आत्मा आत्मा का चक्कर नहीं है सर। तो हरपेस कैसे जिंदा हो गया? सर इसी भी सर गए हैं स्विट्जरलैंड, जैसे ही पता चलेगा। अरे स्विट्जरलैंड तो छोटा सा गांव है क्या कि हरपेस कहीं टपरी पे बैठ के चाय पी रहा है और प्रद्युमन का इंतजार कर रहा है? सर हमने कब कहा कि स्विट्जरलैंड गांव है? तो पर कहां गया एसी भी प्रद्युमन, कमरे से कहां गए वो? सर वहां की पुलिस के इंस्पेक्टर है क्रिस्टोफ, वो अभी थोड़ी देर में एसीपी सर के कमरे का ताला तोड़ के अंदर घुसने वाले हैं। जैसे ही अंदर घुसेंगे हमें तुरंत फोन करेंगे। फोन आ गया। हेलो क्रिस्टोफ। हेलो क्रिस्टोफ, क्या तुम एसीपी सर के कमरे में आ गए हो? यस सर। हां सर, दिस इज बहुत परेशान करने वाली बात है सर। सर उस गवाह ने जो गोली चलने की आवाज सुनी थी वो सच है सर। देखने से तो ऐसा लग रहा है जो भी इस शीशे के सामने खड़ा था उसे पीछे से गोली मारी गई है। शीशे में ये खून के छींटे देखिए। और सर यहाँ कांच के दरवाजे पर भी खून के धब्बे दिख रहे हैं। चलिए कमरे में। यस सर, जैसा कि आप देख सकते हैं सर, खून के छींटे जमीन पर भी है। क्या एसीपी प्रद्युमन तुम्हें कमरे में दिखाई दिए? नहीं सर, पूरा कमरा तहस नहस हुआ पड़ा है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं और वो अपने फोन का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। क्या तुम हमारी एक मदद करोगे सर? हमें बाथरूम से मिले खून के सैंपल भेज दो, हम एसीपी सर के खून से उसे मैच करेंगे। यस सर। जी सर, ऑफ कोर्स, जरूर। बाय बाय क्रिस्टो। थैंक यू सर। सर प्लीज हमें स्विट्जरलैंड जाना चाहिए सर। जिसे देखो वो स्विट्जरलैंड भागा जा रहा है। यहाँ कौन काम करेगा? वो लाश मिली है ना कंटेनर यार्ड में, वो केस कौन सॉल्व करेगा? सर हम लोग ही करेंगे। 24 घंटे? अरे सर आप ये 24 घंटे के पीछे क्यों पड़ गए हैं? हर वक्त 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे 24 बस। सर पहले भी हमने केस सॉल्व किए हैं, किसी केस को 24 घंटे लगते हैं, किसी को हफ्ते लग जाते हैं। नो हफ्ते फफ्ते, 24 घंटे। यू मीन 24 घंटे? हाँ 24 घंटे। सर इसकी आंखों से तो काफी खून बहा है। सर बॉडी बटो। शरीर में कहीं और कोई घाव का निशान नहीं नजर आ, मतलब इसकी मौत फांसी की वजह से हुई। बॉडी चेकर को आइडेंटिटी है क्या? रवि, इसके घर वालों को खबर कर दो। ये देखिए सर, ये मोबाइल भी मिला है। सर आखिरी कॉल चेक करो। ये अजीब तरीके से मारा है इसे। लाश दिल वाले गुब्बारे के साथ लटकी हुई थी, आंखों में खून बहा है। किसने किया होगा इसके साथ ऐसे और क्यों? मम्मा, रिद्धि दीदी अपने कमरे में नहीं है। क्या? और मम्मा, दीदी के कमरे की खिड़की से एक रस्सी भी लटक रही थी। लगता है दीदी भाग गई। क्या? भाग गई? अरे शादी उसकी मर्जी से हो रही थी तो फिर क्यों? हे भगवान, क्या कर दिया इस लड़की ने? अरे हम अपू को दर उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? मम्मा आप रोइए मत, मैं अभी मुकुंद को फोन करती हूँ, शायद उन्हें पता हो। अंकल रिद्धि का फोन ऑफ जा रहा है। मुकुंद का फोन भी बंद आ रहा है। तुम लोग तो उसके दोस्त हो ना, तुम लोगों को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है। नहीं आंटी। मुकुंद के घर वालों से बात हुई है मेरी,
उन्होंने बताया कि वहां से भी वो जल्दबाजी में निकला है, उन्हें भी नहीं पता कि वो कहां गया। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। आप सीआईडी को फोन कीजिए। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम आ गए। मम्मा कहां चली गई थी? इस तरह खिड़की से कूद के कोई जाता है क्या? मम्मा मैं आपको बताती तो आप मुझे जाने नहीं देती। अपनी माँ को नहीं बता सकती, देखा, अपनी माँ को नहीं बता सकती है। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? हाँ, ये सब क्या है? आंटी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन प्लीज अभी नहीं, इस फंक्शन के बाद प्लीज। से ड्रोन ट्रोले के घर में बलून छोड़ूंगा नहीं। घर में गोली नहीं चलानी चाहिए, कहीं वापस आके मेरे को ही लग गई तो। जाएगा बलून से हेलीकॉप्टर बंधा हुआ है। अरे रुक, हे रुक, हे हे हे, रुक जा। निकल गया, पर ये ड्रोन भेजा किसने है? और ये बलून अर्जुन जी हम जानते हैं ये समय ठीक नहीं है, लेकिन खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि कोई आपके बेटे को ऐसे क्यों मारेगा, वो भी इस तरह लटका के? ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की आपके बेटे के साथ? सर मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो हाल ही में भी इंडिया वापिस आया था, फिर भी कोई उसे इस तरह क्यों मारना चाहता था, वो भी हवा में लटका के। अर्जुन जी आपके बेटे के साथ यहाँ पर एक लड़की भी थी। लड़की? हमने आपके बेटे के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि उसने आखिरी कॉल किसी लड़की को किया था, और उस लड़की का नंबर हमने ट्रेस किया तो पता चला वो लड़की यहीं पर थी, इसी जगह पे आपके बेटे के साथ। कौन थी वो लड़की? रिद्धि नाम है उसका, आप जानते हैं उसे? नहीं सर, मैं किसी रिद्धि नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ। सर आपको क्या लगता है, पुनी रिद्धि है? कुछ कह नहीं सकते, चल के इस रिद्धि से मिलना पड़ेगा, पता तो चले कि वो यहाँ पर आई क्यों थी और इस खून से उसका क्या लेना देना है। हाँ अभिजीत भैया, वो दोनों कमांडोज का पता चल चुका है, ढेंचू उन लोगों को दाना दे के यहाँ पे लेके आ रहा है, लेकिन अगर एसीपी साहब के गायब होने में इन लोगों का हाथ है ना, स्ट्रेचर पे जाएंगे यहाँ से ये लोग। हाँ उन दोनों कमांडोज को छोड़ना नहीं। तय, मैं बाद में फोन करता हूँ, ये लोग आ रहे हैं। कहाँ है वो आदमी जिससे हमारे तुम नकली सर्टिफिकेट बनवाने वाले थे है? और इधर तो कोई नहीं दिख रहा। सब्र करो सब्र, वरना अपना काम किसी और से करवा लो। वैसे भी तुम लोगों के कारण सीआईडी वालों ने मेरे दिमाग का दही कर रखा है,
पकड़ना तुम लोगों को चाहती है और बैंड मेरी बजाई हुई है। अरे यार नाराज क्यों होते हो, जल्दी से मिलवाओ। बस आ गया। सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत, क्यों मदद की तुम लोगों ने कटोरी की? उन लोगों ने हमारे बच्चों को किडनैप कर लिया था और उसके बदले में मुझे कटोरी को गन पहुंचानी थी। सर मैं अपने जूते में छोटी सी गन छुपा कर रखता हूँ और मैंने अपना जूता उसके जूते के साथ बदल दिया था। तो वो तुम्हारी गन थी जिससे कटोरी ने आत्महत्या की थी? चल। अबे गन चलाने से पहले गन का सेफ्टी लॉक तो खोल ले। माइकिंग खोला लो। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता सर। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। नहीं सर। कटोरी डमटा जेल के अंदर था, तुम्हारे बेटे को कैसे किडनैप कर सकता है? उसने नहीं किया सर, उसके आदमियों ने किया है सर। कौन? हरपिस डोंगारा सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये है वो आदमी? सर यही था वो आदमी, यही मुझे ब्लैकमेल करता रहा सर, गन पहुंचाने के लिए यही बोलता था सर। ये क्या बदतमीजी? आप लोग है कौन? हम लोग सीआईडी से, हमें रिद्धि से बात करनी। हमें रिद्धि से एक मर्डर के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। मर्डर? सर रवि ने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे धमकी दी कि वो मुकुंद को मार डालेगा। मुकुंद! मुकुंद! रिद्धि! मुकुंद! वेलकम रिद्धि, वेलकम वेलकम। आखिर तुम्हारा प्यार तुम्हें खींची लाया। आओ तुम्हारे लिए तोहफा। आओ रिद्धि, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो ठीक है बात ही खत्म, मार देता हूँ इसको मैं। इसे कुछ मत करो, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। और मुझसे? मैं भी तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसकी बात मत सुनो रिद्धि। पता है रिद्धि, तुम्हारे लिए मैंने खून किया है। क्या खून? हाँ खून तुम्हारे लिए। ये कर सकता है तुम्हारे लिए खून? मैंने किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं यहाँ इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और एक तुम ही इस गधे से शादी करना चाहती हो। प्लीज इसे कुछ मत करो, प्लीज इसे छोड़ दो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं रिद्धि, ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। I'm sorry. She is mine.
तो मर गया। उसके बाद मैं मुकुंद को आजाद करके यहां ले आई। एंगेजमेंट के बाद हम सबको सच सच बता देते, पुलिस को भी और पेरेंट्स को भी। तो फिर उसे गुब्बारे से किसने बांधा? सर हमें कुछ नहीं पता, हम तो वहां से सीधा भागकर यहां आ गए। तो इसका मतलब कोई तीसरा आदमी भी छुपा बैठा था जिसने ये सब किया? हो सकता सचिन, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। इस रवि ने मुकुंद को मारने की धमकी दी और किसी ने रवि को ही मार दिया। मम्मी! या बस हटिए, एक मिनट हटिए प्लीज, हटिए मम्मी। क्या हुआ? एक मिनट आप ये रुकिए, प्लीज प्लीज आप लोग रुकिए। मर चुके हैं। कैसे कैसे हुआ ये सब? देखो अगर खूनी को रोकना है तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हुआ क्या है। सर मम्मी को बहुत छींकें आ रही थी और मुझे लगा उनको एलर्जी हो गई है, इसलिए मैं उन्हें अपने कमरे में ले आई। सर रवि की मौत भी हंसते हंसते हुई थी। सर इसका मतलब खूनी कोई एक ही है? दोनों खून एक ही ढंग से किए गए हैं, दोनों हंसते हंसते मरे हैं। एक बार ये पता चल जाए कि खूनी मार कैसे रहा है, उसकी गर्दन हमारे हाथों से थूर नहीं। महादेव दोनों की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई, दिमाग की कोई नस फट गई, दिमाग में खून फैल गया और जैसे ही खून का प्रेशर बढ़ा दुकान बंद, दोनों की मौत। ओह, एक ही दिन में दोनों के दिमाग के अंदर की नस फट गई और इनकी आंखों में से वो खून भी उसी वजह से बहा है, ब्रेन हेमरेज। हाँ, या तो ब्रेन में चोट लगी या किसी ने कोई दवाई दी जिससे दिमाग की नस फट गई। लेकिन तुम यार ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है? मेरा एग्जाम चल रहा है क्या कि अगर वक्त पे सही बात नहीं बताई तो मेरे नंबर कट जाएंगे? नहीं सर, मैं नहीं सर, वो चित्रले साहब नंबर काट लेंगे। अरे यार चित्रले सर ने अपनी आंखों में भी घड़ी फिट कर ली। अरे चित्रले क्या बिगाड़ लेगा मेरा, चित्रले की तो किसी ने मेरे घर में ये बलून्स भेजे। उसे मालूम हो गया होगा कि इस घर में एक बच्चा रहता है। तालों के? नहीं सर, मतलब उसे ये मालूम हो गया होगा कि इस घर में जो रहता है उसका दिल एकदम बच्चे की तरह से है। ऐसे बोलना, मैंने टीवी पे देखा एक आदमी वहां से बोल रहा था कि अगर आपको देखना है कि आप कितने फिट हो तो एक टांग पे खड़े होके देखो। ये सही है सर। है ना, तो फिर करके दिखाओ, देखो जरा कितना फिट हो। चलो दिखाओ, एक पैर पे खड़े होके दिखाओ। वाह फैंटास्टिक, देखा, तभी तो तोड़ता ही एक हाथ से दरवाजा, ऐसा सॉलिड फिट है। पूर्वी निकल, देखा मैं फिट हूं सर। दिखा जरा, करके दिखा। निकल तुम दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ। आ, आ, आ। मैंने सोचा कि एक टांग पे खड़े रहने का फायदा क्या है, एक टांग पे डांस करके देखना चाहिए। आपने किया? हाँ, मैं एक पैर पे खड़े रह के ऐसे 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 डांस कर रहा था कि ड्रोन निकल गया हाथ से। कोई रिमोट से चला रहा होगा सर वो ड्रोन। हिम्मत की किसी ने चित्रोले के घर में ड्रोन भेजने की? सर कहीं वही तो नहीं हफिज डोंगर? वही है। मालूम है ना, नया रूल है, 24 घंटे
24 घंटे में केस सॉल्व होना चाहिए, समझे? करो या मरो। हमें यह पता करना है कि रवि और आराधना जी इन दोनों ने ऐसी क्या चीज खाई थी जिससे उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, और वो चीज उन्हें दी किसने थी? सर ये कैसे हो सकता है कि दोनों की मौत एक ही चीज खाने से हुई हो? ये दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। और सर रही बात खाने की, तो हमने भी वही खाया था जो मम्मा ने खाया था, फिर हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? हाँ सर, घर में बहुत सारे गेस्ट आए थे, किसी को कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ये आराधना जी दवाइयां लेती थी? जी सर, उन्हें ब्लड प्रेशर था तो उसी की दवाई लेती थी। कहाँ है वो दवाइयां? ये बलून से बिल्कुल वैसे ही है। ये बलून यहाँ आए कैसे? जी मम्मी लाई थी, उनकी किसी फ्रेंड ने दिया था उन्हें। किस फ्रेंड ने? पता नहीं सर। 2 साल पहले रवि ऐसे ही गुब्बारे घर लाया करता था, उसे किसी लड़के से प्यार हो गया था, उस लड़की को ऐसे गुब्बारे बहुत पसंद थे। फिर क्या हुआ? उस लड़की की मौत हो गई, रवि को बहुत दुख हुआ और वो उसकी यादों को भुलाने के लिए इंडिया से बाहर चला गया। आप जानते हैं वो लड़की कौन थी? नहीं सर, इन दोनों की मौत और इन गुब्बारों के बीच कनेक्शन क्या हो सकता है? कहीं ये खूनी तो नहीं जो गुब्बारे हमारे लिए निशानी के तौर पे छोड़ रहा है हमें चढ़ाने के लिए? सर, डीसीपी सर के घर में भी ऐसे गुब्बारे भेजे गए थे, कहीं अगला निशाना वो तो नहीं? नहीं, खूनी इतनी हिम्मत नहीं करेगा, डीसीपी चितुले के साथ कोई पंगा नहीं करेगा। वो सर रवि के अब्रॉड जाने के पहले एक लड़की की मौत हुई थी जिसका नंबर रवि के कॉल रिकॉर्ड्स में है। कौन थी वो लड़की? सर ये इसका नाम यामिनी। और सर चौंकाने वाली बात ये है कि रिद्धि के माँ बाप ने उसे गोद लिया था। क्या यामिनी रिद्धि की बहन थी? सर इसकी मौत 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हुई, और सर इसे भी हार्ट शेप वाले गुब्बारे बहुत पसंद थे। ये लो यहाँ भी गुब्बारा, लगता है इस केस में गुब्बारे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सर अगर रवि यामिनी से प्यार करता था तो उसके घर वालों ने रवि को पहचाना कैसे? नहीं मगर हो सकता है ना कि परिवार वाले शायद रवि को जानते ना हो सकता है। झूठ बोल रहे हो? 2 साल पहले रवि की प्रेमिका यामिनी की मौत होती है, और 2 साल बाद रवि भी मारा जाता है, और अब रिद्धि की माँ। ऐसा लगता कोई तो है जो यामिनी की मौत का बदला ले रहा है। अभिजीत दया, तो सर क्या हुआ? ये आपके आंखों में आंसू? प्रद्युमन क्या हुआ? प्रद्युमन गया। क्या कह रहे हैं सर? अभिजीत, होटल में जो खून था वो प्रद्युमन का ही था। मैच हो गया। और होटल में इतना खून था कि अब तो बस बॉडी मिलना बाकी है। सर आपने ठीक से देखा? गलती भी तो हो सकती है सर। काश मुझसे गलती हुई होती। दस बार चेक किया, 200 बार मैच हो गया। आई एम सॉरी। This is the truth.
सरों के सब की बात पे भरोसा मत करो यार। एसीपी साहब को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा उनको। अगर सर को कुछ हुआ ना अभिजीत, तो जिसने भी ये किया वो स्विट्जरलैंड में किया, पाताल में भी छुप के बैठा हो ना, तो मैं उसे खोद के निकालूंगा और अपने हाथों से मारूंगा उसे। फिर चाहे मेरा जो भी हो, छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या हुआ अभिजीत? स्विट्जरलैंड में एसीपी साहब के कमरे से जो खून मिला था सर, हाँ। वो खून एसीपी साहब का ही है सर। क्या? हाँ सर। मतलब रघुवन गया? लगता तो ऐसा ही है सर। इतना गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मौत की खबर सुन के भी हंस रहे हैं। रोना चाहता हूँ, रो नहीं सकता हूँ। रो नहीं सकता मतलब क्या? हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है? ओह माय गॉड, ये तो मम्मी, मम्मी। सर, किसी भी साहब, सर, सर ये तो सर, संभालिए अपने आप को, हॉस्पिटल ले जाना होगा, प्लीज संभालिए अपने आप को। हेलो, मैं डीसीपी चित्रलोक का हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ, इमरजेंसी है, उनकी मौत होने वाली है। गुब्बारा, गुब्बारा, गुब्बारा। आनंद साहब, कुछ पता चला? दया, इन लोगों की मौत गुब्बारों की वजह से हुई है। गुब्बारों में नर्व गैस भरी हुई थी। ये गैस बहुत जहरीली होती है। अगर कोई इंसान इस गैस को सूंघ ले तो सबसे पहले उसकी सांस की नली में तकलीफ होती है, फिर धीरे धीरे शरीर के हर ऑर्गन पर ही असर करती है। और हंसते हंसते इनके दिमाग की नस फट गई, उसी की वजह से इनकी आंखों से खून निकला और इनकी मौत हो गई। लेकिन सर, जिस खूनी ने रवि और आराधना को मारा, वो डीसीपी सर को क्यों मारना चाहता? उनका ही सबसे क्या लेना देना? पूर्वी, ये डीसीपी चित्रोले कोई सीधा आदमी तो है नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ पैर अड़ा के बैठा है। ये सबका जवाब तो वो डीसीपी ही देगा। सूट कहाँ रखा है मेरा? सूट? मुझे ये हॉस्पिटल के कपड़े नहीं पहनने, सूट कहाँ है मेरा? सूट लेके आओ। वो बार बार सूट मांग रहा है, उसे कोई सूट लाके दो। अभिजीत, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए यार। यार ये देखो क्या पहन के घूम रहा है ये लंगोट, इसमें इसमें डीसीपी का मिजाज नहीं आ रहा है। मुझे मेरा सूट चाहिए, सूट। यार मुझे इस हॉस्पिटल से ले चलो यार। अरे सब सर, आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपको शांति मिलेगी। मतलब मैं यहाँ लेटा रहूं, ये डीसीपी लेटा हुआ अच्छा लगता है। अरे मुझे काम करना है यार, काम। सूट? अरे कहाँ फेंका मेरा सूट? हाँ सर, इस लड़की को जानते हैं? ये सर, ये सारे खून इस लड़की की वजह से हो रहे हैं। वो जो गुब्बारे आए थे आपके घर पे आपको मारने के लिए, वो इसी लड़की की वजह से आए थे, जानते हैं सर? सर ये खून का मामला है, आप चाहे हॉस्पिटल में थे या घर पे, आपको ये बताना पड़ेगा आप इस लड़की को जानते हैं या नहीं। ये आमिनी नाम है इसका। अरे दया, डीसीपी साहब चाहे जैसे भी हो लेकिन ये कभी बात छुपाते नहीं है ना सर? अगर जानते हैं तो बताते क्यों नहीं? वो हाँ, इस लड़की ने फोन किया था मुझे। क्या फोन किया था? कब? ओ, 2 साल पहले मदद मांग रही थी मेरे से। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ ऑफिस में। तो आपने उसकी मदद की? नहीं, वो आई ही नहीं। और दूसरे दिन आई सर? नहीं, दूसरे दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि लड़की मर गई एक एक्सीडेंट में।
एक लड़की आपसे मदद मांगने आती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, ये आपको कुछ अजीब नहीं लगता? अरे इसी बात का तो पछतावा है कि मैं उसे बचा नहीं सका। सर मुझे तो लगता है क्योंकि आपने इस लड़की की जान नहीं बचाई, इसीलिए किसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की है। मारने की कोशिश की? अरे मोटी चमड़ी है मेरी, गेंडे की खाल है बोलते ना तुम लोग डीसीपी की, हैं? ऐसे को मार सकता क्या मुझे, हैं? मैं अंडरग्राउंड रह जाता हूं, एकदम नीचे छुप के देखता रहूंगा क्या हो रहा है, जब मिलूंगा ही नहीं तो कोई मारेगा कैसे? सर ये डीसीपी सर भागे भागे जा रहे थे? हाँ, उन्हें बहुत जल्द अंडरग्राउंड होना है। अच्छा वो 2 साल पहले यामिनी किन किन से बात करती थी वो सारे फोन नंबर मिल गए? हाँ सर सारे नंबर्स मिल गए, एक नंबर ऐसा है जिसपे यामिनी रोज बात किया करती थी। ग्रेट, बन गया काम। किसका नंबर है, कौन है आदमी? सर आदमी नहीं है, एक लड़की है। लड़की? हाँ सर वो लड़की यामिनी ही है। क्या यामिनी यामिनी से ही बात कर रही थी? सर दोनों नंबर्स यामिनी के, पर जब उसकी मौत हुई तो एक नंबर ऑफ हो गया, दूसरा नंबर अभी भी चल रहा है। ओह, तो दूसरा नंबर ही है जो खून कर रहा है। पता लगाना चाहिए ये दूसरा नंबर कहाँ जाके रुकता है, जहाँ रुकता है वहीं सोता है, वहीं पे रेड मारते हैं। ये है वो जगह जहाँ यामिनी का मोबाइल रात को रुका था। जो कोई भी है यामिनी का बहुत बड़ा दीवाना लगता है, अभी उसकी मौत के 2 साल बाद भी उसकी फोटो ऐसे संभाल के रखा हुआ है। ओह, तो ये जनाब है सबके पीछे, बड़ा शातिर है, हमारे साथ रहा पर हमें इस पे शक नहीं हुआ। कहां तक भागोगे मुकुल? अब पूरी सच्चाई बता, तो ही तुझे दवा देकर तुझे तेरे इस जहरीले गुब्बारे से बचाएंगे। क्यों मारा तुमने रवि और आराधना को? सर मैं यामिनी से प्यार करता था, मैं यामिनी का यामिनी का बॉयफ्रेंड था सर। सर वो रवि बहुत परेशान करता था यामिनी को, वो बहुत डरी हुई थी, उन सब ने मिलकर उसको मार डाला था सर। सर उसने मुझे एक दिन फोन किया था। हाँ मुकुल, मैं अभी डीसीपी चित्रोली से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम अभी तक उनसे मिली नहीं? नहीं मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मेरी उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो मेरी मदद करेंगे और रवि के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे उनसे मिलना पड़ेगा और एक प्रॉपर कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी। चाचा चाची रवि यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रही थी? उस दिन मैं फोन पर ही था, मैंने सब कुछ सुना था सर, यही सच है, मैंने सब बता दिया। अपनी माँ सामने देख के पसीने छूटने लगे हैं? तुझसे सच उगलवाना था, वो हो गया, इसमें कोई नव गैस नहीं है, सिर्फ खांसने और चीखने के पाउडर मिला दिया था हमने।
भाग के थक नहीं जाते तुम? उस फोन पे मैंने सब कुछ सुन लिया था। इन लोगों ने मेरी अम्मी को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने रवि से शादी करने से इनकार कर दिया था। सर, हम लोग उसे मारना नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ उसे डराना चाहते थे ताकि वो रवि से शादी करने के लिए मान जाए। लेकिन रवि अपना आपा खो बैठे, गुस्से में आकर उसने उसे मार दिया। लेकिन तुम यामिनी की शादी रवि से क्यों करना चाहते थे, वो भी जबरदस्ती? क्योंकि सर, मेरे भाई ने अपनी सारी जायदाद यामिनी के नाम लिख दी थी और मैं उसका भाई था, मुझसे ज्यादा उसके पैसों की जरूरत और किसको हो सकती थी? बेटी से ज्यादा तुम्हें पैसे प्यारे हैं, पैसों के लिए तुमने बेटी का इस्तेमाल किया, अब वही चाल मुकुंद ने तुम पे चल दी। क्यों? इसलिए तुमने रवि का सहारा लिया, रवि यामिनी से शादी कर लें और जायदाद पे तुम्हारा हक हो जाए? हैं? लेकिन रवि इस बात के लिए तैयार कैसे हो गया, उसका क्या लालच था? ये पहले से जानते थे कि रवि रीति से प्यार करता है और प्रॉपर्टी के बदले इन्होंने रवि से वादा किया था कि ये उसकी शादी रीति से करा देंगे। क्या? सॉरी रीति, लेकिन मैं क्या करता? जिन लोगों ने मेरे प्यार को मार दिया, से बदला लेने का मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका था। रवि के इंडिया आने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो वापस आया, मैंने अपने प्लान को अंजाम दिया। लेकिन तुमने रवि को गुब्बारों के साथ बांधा कैसे? तुम तो रिद्धि के साथ बाहर निकल गए थे ना? रिद्धि से मैंने कहा कि मैं अपना वॉलेट भूल चुका हूँ और वॉलेट लेने के बहाने मैं कंटेनर याद की तरफ फिर भागा। लेकिन डीसीपी चित्रोले, उनको निशाना क्यों बनाया तुमने? सर, मुझे लगा कि डीसीपी साहब यामिनी की मदद नहीं करना चाहते, मैंने सोचा कि कहीं वो भी इस प्लान में शामिल हो। इसलिए नहीं, वो इस प्लान में मिले हुए नहीं थे, बल्कि वो तो यामिनी की मदद करना चाहते थे। बदले ने तुम्हारे दिमाग को खाली कर दिया है, अब कुछ नहीं बचा है। दो दो खून किए हैं तुमने, अब बची हुई जिंदगी बिताना जेल के अंदर। ले जाओ इन दोनों का। सर, ये केस तो हमने किसी भी तरह टाइम पे सॉल्व कर दिया, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि एसीपी सर के साथ क्या हुआ। कहीं वो सर ये कटोरी का जूता है जो उसने कमांडो से बदला था, देखिए इसमें क्या छुपा कर रखा गया है। पेन ड्राइव? हेलो, ये तो जेल के अंदर ही लिया गया, मरने से पहले। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं जा चुका हूं, अपनी कब्र से भेज रहा हूं ये संदेशा। अरे हाँ, लेकिन मैं वहां अकेले नहीं जा रहा हूं, अपने साथ एक बहुत ही खास मेहमान लिए जा रहा हूं। जानते हो तुम सबका लीडर, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.